बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली के एक बिल पर तबसरा करते हुए शहरयार नामी एक शख्स ने कल बयान दिया कि बुखारी शरीफ को बंद किया जाए, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है कि सईद आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अनहा के घर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का घर कहा। सवाल ये पैदा होता है, उस सही बुखारी का आप क्या करेंगे कि जिसमें बहुत वाज़े लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अशारा इला नहव बैतुल मस्कन आयशा, के जनाब आयशा के घर की जानब इशारा किया और कहा हा हुनल फितना, यहाँ है फितना, वो मिन हैसु यतलव करनु शैतान, और यहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। आप क्या करेंगे उस सही मुस्लिम का कि जिसमें यही रिवायत दूसरे अल्फाज के साथ बयान हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज रसूल अल्लाह मिन बैत आयशा वकाला रासुल कुफ्र हा हुना, यहाँ है कुफ्र का सरगना, वो मिन है सो यतलो करनो शैतान, और यहां से शैतान का सींग निकलेगा। कहा कि यहां से फितना निकलेगा। जो इबारत पढ़ी वो इबारत भी गलत पढ़ी। इबारत के अंदर इलाह का जो हरफ जार है ये इस्तेमाल नहीं हुआ, उसने इस्तेमाल करके जहत और उस जगह को मुअय्यन किया। अब मैं इस हवाले से कुछ इल्मी तबसरा करना चाहता हूं, और सोशल मीडिया के नाजरीन और तमाम अहले सुन्नत का जो दिल दुखा इस बात से, इस तकलीफ दे बात से, तो उनके दिल पर मरहम के लिए ये बात मुकम्मल वजाहत के साथ पेश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वो हदीस पाक जो बुखारी शरीफ के अंदर वो ये है, और वो हदीस पाक 6680 है, यानी 6680। वो हदीस यूं है, आके करीम अलैहिस्सलाम ने अशारा नहवा मस्किनी आयशा फकाल हा हुना अल्फितना सलासन हैसु यतलु करनु शैतान। आपने सय्यदा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर जो मस्कन था, उस घर की जहद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि फितना यहां है, और तीन बार फरमाया कि यहां से शैतान का जो कर्ण है, सींग है, वो चलू होगा। यह हदीस का तर्जमा मैंने आपको बता दिया, बुखारी शरीफ में मौजूद है। और यहां से रवाफिज ने यह दलील पकड़ी कि माज़ल्ला बैते आयशा मस्कने आयशा, यहां से फितना गोया के निकलेगा, यह मुराद। हालांकि आके करीम अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है, तमाम मुफस्सरीन की किताबें इस हदीस की शरह के अंदर उठा के देखे, शारहीन की फरमाया इससे मुराद नहव अल मशरिक अल जिहा, इससे मुराद जहत है, मशरिक मुराद है, क्योंकि आके करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर खिताब फरमा रहे, और आपका जो हुजरा मुबारक सईद आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा मुबारक जो है वो मशरक की जानिब था, तो आपने मशरक की तरफ यूं इशारा करके कहा, तो रावी ने इसको नहवा मस्किनी आयशा यानी मशरक की जहत को मुअय्यन करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। मुराद मशरक है, पूरी जहत मुराद है कि इधर से फितने निकलेंगे, नजद भी मशरक की तरफ है, और इराक कोई भी तफसीर की गई कि वहां से फितने निकलेंगे, आके करीम अलैहिस्सलाम ने इसकी पेश गोई बयान फरमाई, और ऐसा हुआ। तारीख इस्लामी के अंदर मौजूद है कि मशरक की जहत से फितन बरामद हुए निकले, बड़े बड़े फितने निकले जिन्होंने इस्लाम के अंदर इस्लाम की तारीख को खून खार कर दिया, यानी ऐसे फितने निकले, आके करीम अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले से बयान किया। इससे मुराद बैते आयशा जहां सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रहती थी, वो मुराद नहीं है, ना ही माज़ल्ला इससे मुराद सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला खुद है। अगर ये मुराद माज़ल्ला माज़ल्ला नाउज़ बिल्ला नकले कुफर कुफर नवाज ली जाए, अल अमान वल हफीज, फिर इसका माना क्या बनेगा कि आके करीम अलैहिस्सलाम के अपनी हदीस के अंदर तनाकुस पाया जा रहा है। अगर वाकई बैते आयशा ये फितनों का घर है, तो फिर आके करीम अलैहिस्सलाम उस घर में रहते क्यों हैं? आप उस घर में रहे यहां तक हत्ता या तवफा, यहां तक के आप सारी उम्र, यहां तक के आपकी जाहरी वफात भी सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में होती है, फितनों के घर में। अगर आप उसे फितने का घर समझते थे, तो फिर आप आखिरी दम तक वहां पर रहे, ये तनाकुस पाया जा रहा है। माद अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत। दूसरी बात, आका करीम अलैहिस्सलाम का आज रोजा मुबारक कहां है? आज रोजा मुबारक कहां है? वही हुजराए आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जहां आके करीम अलैहिस्सलाम की जाहरी वफात हुई,
आपका वही आज रोजा मुबारक है, मरकद मुबारक है, जहां करोड़ों हजारों लाखों फरिश्ते दिन और रात रहमतें बरसाते हैं, दुरूदों दुरूद शरीफ के गजरे निछावर करते हैं। तो अगर मादल्ला वही फितनों का घर या शैतान के तलू होने और शैतान के सीन तलू होने का जगह होती, तो मादल्ला मादल्ला अल्लाह ताला उसको मदफने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बनाता, यहां पे ये सवाल उठता है। तो लिहाजा ये मुराद ना हदीस से है कि नहवल मस्किन आयशा से मुराद बैते आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला ना है, ना ही मादल्ला हदीस के करोड़वें हिस्से की यह मुराद हो सकती है। इवन के मुफस्सरीन व शारहीन का ज़हन भी कभी इस तरफ नहीं गया, बल्कि मशरिक की जहत को मुअय्यन किया। फिर एक और जो बड़ी बददियानती की है उस क्लिप के अंदर, उस शख्स ने इला और नहव दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। इला भी जहत के लिए इस्तेमाल होता है, नहवा भी जहत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ताबीरी फर्क इसमें यह है कि इला से मुराद वो घर हो सकता है, नहवा से मुराद जहत ही होगी। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, इसको बेचारे को ग्रामेटिकली यानी सेंटेंस भी बनाना ना आया, फिर मस्कनिल आयशा कहा, अलिफ लाम आयशा के साथ लगा दिया, हालांकि वो अलम है, अलम के साथ अलिफ लाम का इस्तेमाल चेमाना दारद, और हदीस को अपनी तरफ से गढ़कर इसने बयान किया। रमाद अल्लाह इला का लफ्ज वहां है नहीं, खुद बयान किया इसने। और नहवा से मुराद जहत होती है, इसे पता था कि इसका तर्जमा जहत है, इसलिए इसने इला वहां पर लगाया। ये किस कदर बददियानती है, कितनी गलत ताबीरात उम्मत के अंदर फैलाई जा रही हैं, और गलत तफसीर और शरा करके हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अनहा की सदाकत के अंदर शकूक और शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। लिहाजा कोई भी गैरतमंद मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बड़े पॉजिटिव तरीके से भी अगर आंसर दूं तो मैं यही कहूंगा कि इंतहा दर्जा की बददियानती की है। अगर आपने पंजाब असेंबली के बिल पर तबसरा करना ही था तो तुझे यही एक जगह मिलती थी कि तू सईद आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अनहा पर गुफ्तगू करते हुए इतनी गलत ताबीरात फैलाकर जवानों के नौजवानों के दिल के अंदर शकूक और शुबहात पैदा करना चाहता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। बकिया जितने भी इतराज किए गए, इंशाल्लाह उसका जवाब भी मैं बितफसील वजाहत के साथ और किताबों के दलाइल के साथ इंशाल्लाह ये रखता हूं और शॉर्ट क्लिप्स के सूरत में पेश करता हूं।